अभी आपको जो नज़ारा दिख रहा होगा यह रात के करीब 10 बजने से 7 मिनट पहले का है, यानी कि 7 मिनट बाद 10 बज जाएगा और हम मिली बाजार से वापस आए हैं। तो ये देख रहे हैं सब जो मैदान है, यह रीगा चीनी मिल के सामने का मैदान है और काफ़ी ज़्यादा गीला है, कादो है, कीचड़ है, बहुत सारा कीचड़ है। और तब भी उस समय में काफ़ी ज़्यादा भीड़ था। अब लोग चले गए हैं, बस झंडा है जो कि 3 दिन तक यहाँ रहेगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, तो सारे झंडे 3 दिन तक रहेंगे और कल जो होगा वह डांडिया यहाँ पे खेला जाना है। और अगर ऐसा ही अगर कीचड़ रहा तो बहुत ज़्यादा मुश्किल तो नहीं होगा, लेकिन मज़ा बहुत आएगा और साथ में नए कपड़े सत्यानाश हो जाएंगे। अभी जो है नज़ारा पूरा एकदम से ख़त्म है, भीड़ ख़त्म है। बाहर रोड पर भीड़ इसलिए है क्योंकि वहाँ पे खाने पीने की जगह है। तो फाइनली जो है कि इमली बाज़ार से आने के बाद अब हम रीगा बाज़ार में जितने भी झंडा है महावीर जी का उन सबको देखेंगे और उनके बारे में मैं कुछ कहूँगा आपसे। उस समय नहीं ज़्यादा कुछ कह पाया और अगर कहा भी होऊंगा तो आवाज़ें जो है वह क्लियर नहीं आई होगी क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ था। और अभी कादों के बीच में सांप का जिक्र हुआ है। मर गया क्या? जिंदा है? अरे हाँ, यहाँ सामने है। तो ये जो कोई सांप है, ढोरिया कह रहे हैं या ढोरबा भी लोग कहते हैं उसको, कादों में पाया जाता है, वो सांप थोड़ा सा दिखा लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये हाँ, जो अब सामने जो हम आ रहे हैं भारत माता जी के, आप यह वाला आपको मैंने दिखाया होगा, यह भारत माँ के सिंह हैं और उन पर भारत माँ सवार है। और अभी इनका जो है वह बैटरी पर शायद होगा, चल रहा होगा, उस समय में गर्दन हिल रहा था जो कि अभी बंद है क्योंकि 10 बज चुका है और यह बजने वाला होगा। भीड़ कम हो चुका है यहाँ पर और कादो कीचड़ का समय है, कल बरसात हुआ था इस कारण से। देख रहे हैं बहुत लंबा है, 120 फीट ऊपर गया था। और ये है यहाँ के सबसे आकर्षक, यह जो झंडा है इस लाइन में जितने भी 6 झंडे हैं उन सब में सबसे आकर्षित यही है। भारत माता का जो थीम डिसाइड किया गया है वो, और काफ़ी लंबा चौड़ा, लाइट पर और भी ज़्यादा चमक रहा है। देख रहे हैं बहुत ऊपर तक जा रहा होगा। और अब आगे चलते हैं फिर से। इसी जगह पर जो थे लोग उलट पुलट कर रहे थे जब भीड़ था, जब उमंग चढ़ी थी सिर पे तब, और मैंने तो दिखाया ही, मेरा पैर तो पहले से ही सूखा हुआ पड़ा हुआ है, कादो कीचड़ और भी बहुत सारा चीज़, मेरे सारे बैग और कपड़े जीन्स सब हो गए हैं ख़राब, लेकिन फिर भी बहुत मज़ा आया। और कल सुबह हम आएंगे यहाँ पर दोपहर के समय में क्योंकि यहाँ पे डांडिया खेला जाना है। और यहाँ पर जो हुआ था आपने इमली बाज़ार में भी देखा होगा कि इमली बाज़ार में जो एक झंडा आपको दिखाए थे उसमें भी महाभारत के थीम का प्रयोग किया गया था। देख रहे हैं कादो कीचड़, पैर धरने पर पूरा ख़त्म हो जाता है क्योंकि अगर नीचे घास है इस कारण से पैर भी ज़्यादा नहीं धंस पाता है, नहीं तो अगर नीचे घास नहीं होती तो बहुत ज़्यादा हादसा यहाँ पे हो सकता था, जैसे कि लोगों का गिरना, का चोट आना, गंभीर सी चोटें भी हो सकती थी। इसको बचाने के लिए प्रशासन ने एक एम्बुलेंस रखा था और उस एम्बुलेंस के सामने इतना ना आगे पीछे हर जगह इतना ना भीड़ था कि अगर कुछ होता भी है तो एम्बुलेंस कैसे निकालेंगे पता ही नहीं चल रहा था। इमली चट्टी में आपको फायर ब्रिगेड नहीं दिखा पाए, फायर ब्रिगेड की गाड़ी थी, नहीं दिखा पाए। और यहाँ पर भी वही थीम है, रथ है, रथ में 4 घोड़े हैं और कृष्ण जी ने लगाम रख रखा है घोड़ों का, सामने अर्जुन बैठे हुए हैं और उनके सामने महावीर जी, और यह ऊपर है महावीर जी का झंडा। तो काफ़ी ज़्यादा आकर्षक यहाँ का झंडा होता है महावीर जी का, रीगा जो सीतामढ़ी का जिला के अंतर्गत आता है। और जो मेरा पैर है ना वो कादों में एकदम पड़ने के बाद जो है काफ़ी मुश्किल से चप्पल पहन के आया हूँ, तो बड़ा मुश्किल होता है। और यहाँ पर एक मूर्ति बनाया गया था जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे एक मूर्ति है और यह एक शायद भिक्षुक है
जो आंचल फैलाई हुई है, मलिन कपड़ा है और शरीर से काफ़ी ज़्यादा वृद्ध है, ऐसा दिखाया गया है। इनके आंचल में पैसा और लड्डू बहुत सारे हैं लोग, लेकिन प्रसाद के रूप में रखेंगे और पैसा जो भी, तो ये एक भिक्षुक है ऐसा दिखाया गया है मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से कैसा ही है आप बता दीजिएगा। दूसरी बात, मैं जो बोल रहा था आपको कि यह रीगा चीनी मिल के सामने जो मैदान है, यहाँ पर कभी फुटबॉल खेला जाता था, अब वह भी बंद हो चुका है, रीगा मिल भी बंद हो चुका है। तो यह मुश्किल है बिहार के लिए कि बिहार में जो रीगा चीनी मिल और बहुत सारे चीनी मिल जो है वो बंद पड़ गए। इस पर विचार ज़रूर कीजिएगा और किसी दिन हम रीगा चीनी मिल पर बने उसकी कहानी को दर्शाएंगे और बंद होने के बाद लोगों को कितनी ज़्यादा आर्थिक समस्याओं से गुजरना पड़ा है वो भी हम उनसे बात करेंगे। फिलहाल यह 10 बजे के बाद मैं दोबारा आया हूँ और यहाँ पर थोड़ी सी शांति है, बहुत ज़्यादा लोगों का आवागमन चालू है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन सड़क पर आपको भीड़ दिखेगी। सामने उधर भी आपको 3 झंडे दिख रहे होंगे। तो अब हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, बस आपसे विराम लेते हैं और विश्राम भी लेते हैं, साथ में कहेंगे कि चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और इससे जुड़ी जो भी सवाल है आपसे वो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और या फिर मुझे आप इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर बहुत सारे वीडियोज़ का लिंक है, मैं लिंक मेंशन कर दूँगा, आप जाकर ज़रूर देखिएगा। और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पुराने हैं फिर भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा देसी बंदे को। मैं हूँ सहर्ष कुमार, अलविदा लेते हैं J1 ब्लॉग्स से, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम और हाँ, हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्रेम से बोलिए, कमेंट में बोलिए जय बजरंगबली, जय श्री राम।